हे गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बंगाणी। मैं आ गई हूँ अपने एक और ब्लॉग के साथ। और भारी बारिश के बाद खिलखिलाती धूप निकली है और मेरा जो नारियल तेल है जिससे मैं ऑयल पुलिंग करते हुए जम गया था, तो मैंने फटाफट धूप में रख लिया। और मैंने रात को होम रेमेडी बनाई थी तो हम दोनों ने फेस पर लगाई है। और ये उसके बर्तन हैं जो कि मैंने रात को छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे थोड़ा आलस आ रहा था। और दूसरी रेमेडी की चल रही है तैयारी। ये करी पत्ता है जो मैं कल लेकर आई थी। और ये है यहाँ पर मेथी, मैंने रात को भिगो कर रख दी थी। तो मैंने भी किसी यूट्यूब चैनल से ही सीखी है, तो देखो क्या होता है। तो चलिए फटाफट से ऑयल पुलिंग कर लेते हैं। और देखो, ये मैं करी पत्ता रात को जब हम घूमने गए थे तब मैं लेकर आई थी। तो अपने काम निपटाने के साथ साथ मैं अपना जो स्किन केयर है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि फेस पैक लगाओ फिर 15-20 मिनट तुम बैठ के रहो तो वो ठीक नहीं है। अपना काम निपटाओ। तो मैं बना लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए फटाफट से चाय। और ये पानी मैंने बॉईल करके रखा था क्योंकि बरसात में थोड़ा पानी साफ नहीं आ रहा था, तो बॉइल्ड वाटर ज़्यादा अच्छा है पीना इस वक्त। तो अपने लिए निकाल देती हूँ मैं नारियल पानी और चाय मेरी बन रही है। और इस नारियल को खोलने में जो मशक्क़त लगी है ना, कम से कम 10-15 मिनट लगे होंगे मुझे। वीडियो में तो फटाफट लग रहा है ना, लेकिन बहुत टाइम लगा इसको खोलने में, पता नहीं क्यों। या जिन भैया से मैं बोलती हूँ खोल के दो, उन्होंने शायद वो थोड़ा मतलब लेयर ना ऊपर से कट की होगी। तो ये एक ग्लास निकला है आज। और मैं फटाफट से सब्ज़ी भी काट ली है। और जब मुझे फटाफट से कुछ काम करना होता है ना, लेट हो रही होती है, तो मैं प्याज टमाटर सब्ज़ी फटाफट उसी के साथ काट लेती हूँ और छोंक देती हूँ, है ना। अच्छी बनती है सब्ज़ी, कभी ट्राई करना। ये मुझे मेरी जेठानी ने बताई थी ट्रिक, जो दीदी हैं मौली की मम्मी। तो ये भी रेडी हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए। और इन्होंने तो फेस पैक पहले से लगा लिया था तो इन्होंने तो धो लिया है, लेकिन मेरा अभी धुलना बाकी है। तो देखो मैं धो के आ गई हूँ अपना फेस पूरा। और ये कुछ स्पॉट्स हैं मेरे फेस पर और इनका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पीरियड्स होने वाले होते हैं ना, तो मेरे फेस में दाने निकल के आते हैं, ज़्यादा नहीं 2-3। और ये जो मेरे हस्बैंड है ना, इनको मतलब मुझे समझ नहीं आता इनसे क्या प्रॉब्लम है। ये इनको नाखून से ऐसे कर देते हैं फिर ये ख़राब हो जाते। देखो कैसे दाग पड़ गए हैं मेरे। तो देखते हैं ये रेमेडी कितना मेरे लिए यूज़फुल रहती है, और अगर मुझे इसका बेनिफिट दिखेगा तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसको मैं सुबह और शाम दो टाइम लगा रही हूँ। अब देखो क्या रिज़ल्ट आता है। और पी लेती हूँ मैं अपना नारियल पानी, तब तक के लिए ब्रेकफास्ट तैयार है। तो करते हैं ब्रेकफास्ट। ये मेरे हस्बैंड की चाय है जो कि उन्होंने पहले नहीं पी, उन्होंने बोला मुझे ब्रेकफास्ट के साथ देना। और ये सब्ज़ी बन गई है और देखो अचार और दही भी है। तो अब मुझे पता है दही नहीं खाएंगे, अचार खाएंगे बस। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए भी निकल गए हैं। और मेरा रूम बिखरा है लेकिन और दिन से कम, अंदर वाला रूम भी ज़्यादा नहीं बिखरा है। बस देखो तौलिया, वो तो इनकी हमेशा की आदत है बेड पे रखना, और ये करी पत्ता मैंने बेड पे ही रखा है। अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है और देखो किचन भी बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो फटाफट से कर लेते हैं अपनी साफ़ सफ़ाई और साथ में करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो मुझे गांव से दाल दी थी मेरी ताई जी ने, तो मैं बस वही दाल बना रही हूँ आज। और इसको जो घर से जो दाल आती है ना, उसमें कभी मिट्टी ये सब रहती है, तो उसको एक बार अच्छे से छांट के धो के तब बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है ना। तो देखो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे एक और वो जो हेयर रेमेडी बनानी है। अभी लाइट नहीं है इसलिए मैं इनका फटाफट से खाना बना लेती हूँ मैं, तब तक लाइट आती है। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर है होता है ना, फिर हमें खाना भी खाना है। तो फटाफट से काम करती हूँ मैं, साथ में अपना होम रेमेडी बना लेती हूँ। और ये होम रेमेडीज़ जो है ये मैं अपने आप से बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, मैं यूट्यूब से देख के बनाती हूँ और मतलब बहुत अच्छा लगता है। एक हैं उनकी रेमेडीज़ मैं फॉलो करती हूँ, तो उनकी रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव भी होती हैं। और आप कोई भी रेमेडी यूज़ करो, सबसे पहले रहती है पॉजिटिविटी। अगर आप किसी भी रेमेडी को पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करोगे ना, तो आपको इफ़ेक्ट 100% दिखेगा ही दिखेगा। तो देखो जो मेथी का जो ये पानी है, सबसे पहले मैं इसको निकाल देती हूँ। ये हेयर सीरम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और मैं करती हूँ इसको यूज़। और ये वाला जो मेरे पास स्प्रे बॉटल रखा हुआ था तो मैंने इसमें डाल दिया। फेंकना क्यों है जब कोई कंटेनर काम आ रहा है तो, है ना। वैसे भी हम इंडियंस बहुत जुगाड़ू होते हैं,
तो बस इसको आप यूज़ कर लो, कभी भी कर सकते हो। मैं शाम को कहीं जाऊँगी, घूमने जाती हूँ, उस टाइम लगा लेती हूँ, जब मैं कंघी करती हूँ तब स्प्रे कर लेती हूँ। और देखो बस रेडी है मेरा हेयर सीरम, इसमें कुछ नहीं मिलाना है, मैं तो नहीं मिलाती हूँ। इसके बाद आपको मेथी को अच्छे से बॉईल करना है, फिर एक जेल फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाती है इसको छान लो, और ये आपका कंडीशनर है। उसके बाद जो बची हुई मेथी है वो ठंडी हो जाएगी, उसको पेस्ट बना लो करी पत्ता के साथ। और यहाँ लाइट भी आ गई थी तो मैंने बची हुई रेमेडी करी, खाना खा के शाम को मैं रेडी हो गई थी। मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आए और 6:30 बजे लगभग मैंने उनकी छुट्टी की थी। और ये मेरा दिन का आखिरी मील है, ये मैंने रात को दही में चावल डिप करके रखे थे पके हुए, तो अभी मैं शाम को खा के फिर अब मैं निकलती हूँ वॉक के लिए, क्योंकि रात का खाना अब मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लोटिंग हो जाती है। वो कहते हैं ना, खाने को दवाई की तरह खाओ ताकि दवाई को खाने की तरह ना खाना पड़े। तो मैं चलती हूँ अपनी वॉक में, और शाम को मैं वापस आई तो मैंने फटाफट डिनर की तैयारी करी मेरे हस्बैंड के लिए, और वो काफ़ी लेट आए थे 12-1 बजे, तो मैंने अपना सारा साफ़ सफाई भी निपटा दी थी, क्योंकि मुझे रात का जो फेस पैक है वो लगाना था। तो मैं अपना काम करूँगी, आटा मैंने गूंथ के रखा है, मैं पहले रोटी कभी नहीं बनाती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आए। तो आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम जल्द ही आपसे मिलते हैं एक और ब्लॉग में।